उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में जिला अधिकारी ने जनता दरबार लगाया। इस बाद जनता की समस्याओं को सुना और फिर सोनिका ने बताया कि हमारे पास 92 शिकायतें आई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बिजली, पानी और जमीन की शिकायतें आई हैं। इन सब शिकायतों के लिए तहसीलदार SDM को निर्देश जारी किए गए हैं। इन समस्याओं पर जल्द ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। करीबन 92 के करीब हमारे पास शिकायतें आई, जिनमें से पानी की, बिजली की और लैंड फ्रॉड्स की बहुत सारी शिकायतें थी, जिन पे इंस्ट्रक्शंस कंसर्न तहसीलदार और SDM को दे दिए गए हैं तत्काल उनका निवारण करना। जैसे मैं पहले भी कहती आई हूँ कि कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं कि कहीं म्यूटेशन नहीं हुआ या कहीं डिमार्केशन नहीं हुआ, जहाँ अनडिस्प्यूटेड है वहाँ इशूज़ नहीं होते, लेकिन जहाँ कहीं कोर्ट में केस चल रहा है या कोई डिस्प्यूट है, ऐसे मामले बहुत जल्दी निस्तारण नहीं हो सकता है। इसमें पूरी डिटेल्स लेके और एक किसी कंक्लूजन पे पहुँचना पड़ता है। वही ऐसे मामले होते हैं जो बार बार आते हैं, अदरवाइज हमारे लेवल पे जो मामले अनडिस्प्यूटेड होते हैं या जो तत्काल करने योग्य होते हैं वो हो जाते हैं।